वेलकम टू द यूट्यूब चैनल अवांसेड केमिस्ट्री। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मैनिक रिएक्शन। और ये रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सीएसआईआर नेट गेट आईआईटी जेम और बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स सेम थ्री के स्टूडेंट। मैं आपको बोल रहा हूँ प्लीज ये रिएक्शन देख लेना क्योंकि आपके सिलेबस में है। अब मैनिक रिएक्शन की अगर मैं बात बताऊ ये रिएक्शन सीएसआईआर नेट में 3 बार आया है तो सीएसआईआर नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज ये जो रिएक्शन है ना इस रिएक्शन की अगर मैं बात बताऊ बहुत राज है। राज मतलब क्या है ये जो रिएक्शन डिस्कवर किया साइंटिस्ट कार्ल मैनिच ने वो 2-3 रिएक्शन को ऑब्जर्व करके ये रिएक्शन उन्होंने तैयार किया। समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखो सर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिएक्शन मैनिक रिएक्शन ही है इसलिए आपको क्या जानना पड़ेगा जनरल स्कीम ऑफ द रिएक्शन। तो मैनिक रिएक्शन होने के लिए रिएक्शन में क्या क्या होना जरूरी है सर एक एनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड। तो एनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं बोलो मेरे साथ सर एल्डिहाइड भी हो सकते हैं उसके साथ साथ सर कीटोन भी हो सकते हैं और उसके साथ हमको एक फॉर्मेल्डिहाइड लेना पड़ेगा और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी एमीन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन हमको मेंटेन करना पड़ेगा थ्रू आउट द रिएक्शन क्या पीएच 4 से 6 मेंटेन करना पड़ेगा। और यहां पर हम ये रिएक्शन करेंगे एसिडिक सॉल्यूशन में इसका मतलब हमको एसिड भी लेना पड़ेगा सर ऑब्वियसली और ये जो हम एसिड लेंगे वो कैटालिटिक अमाउंट इसका मतलब बोलो सर यहाँ पर जो एसिड हम लेंगे ना वो एसिड ऐसा कैटालिस्ट काम करेगा इसका मतलब क्या है अगर कैटालिस्ट की तरह एसिड काम करे इसका मतलब रिएक्शन होने के बाद लास्ट में वो एसिड को फिर से हम रीजनरेट और रिकलेक्ट भी कर लेंगे। हाँ या ना समझ में आ रहा है। और यहाँ पर इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमको एक सॉल्वेंट भी लेना पड़ेगा सो मिथानॉल इथानॉल आप ले सकते हो और यहाँ पर जो प्रोडक्ट आता है उसका नाम है बीटा एमाइनो कार्बोनिल कंपाउंड और एक नाम है इसके अलावा वो है मैनिक बेस। समझ में आ रहा है समझ रहे हो। तो अब यहाँ पर देखो सर ये जो रिएक्शन है ना ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हो रहा है सर अगर मैं इस इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड की एक एग्जांपल मान लू एसिटाल्डिहाइड फॉर एग्जांपल तो इसके साथ अगर मैं इसका रिएक्शन करवा दू तो सर टॉलरेंस कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगा। एकदम सही। अगर आप लोग टॉलरेंस कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं पढ़े हो प्लीज जाके देख लो मेरा प्लेलिस्ट में नेम रिएक्शन की वहां पर दिया गया है। तो वहां पर हमने यही देखा था कि फॉर्मेल्डिहाइड की इतना रिएक्टिविटी है वो उसके अंदर में आग भरा है तो इस आग की वजह से वो इतना रिएक्टिव है भयंकर रिएक्टिव के वजह से ये एसिटाल्डिहाइड के साथ 4 बार रिएक्शन किया था। इसका मतलब 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके हम लोग देखे थे कि पेंटा एरिथ्रिटॉल दैट इज पीटीएन की जेनरेशन हुआ था। वो एक केमिकल एक्सप्लोसिव था जो एक्सप्लोसिव के मदद से दिल्ली की हाई कोर्ट में अटैक किया था टेररिस्ट ने। ओके तो सर अगर रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड प्रेजेंट हो और इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड भी प्रेजेंट हो और एसिड भी प्रेजेंट हो इसका मतलब सर यहाँ पर तो टॉलरेंस कंडेंसेशन रिएक्शन टाइप हो सकता है ऑब्वियसली हो सकते क्यों नहीं हो सकते। तो मैनिक रिएक्शन सर आप लोग कैसे करोगे इसलिए यहाँ पर सेकेंडरी एमीन को लिया गया क्यों इस साइड रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए। अगर मैं इस साइड रिएक्शन को अवॉइड करना चाहता हूं तो इसलिए सेकेंडरी एमीन को यहाँ पर साइंटिस्ट ने लिया गया है इसलिए मैंने बोला कि ये रिएक्शन साइंटिस्ट ने अचानक से नहीं बनाया इसके पीछे 2-3 रिएक्शन को उन्होंने ऑब्जर्व किया ऑब्जर्व करने के बाद इस रिएक्शन की डिस्कवरी हुआ। अरे हाँ या ना। अब यहाँ पर देखो सामने ये जो सर सेकेंडरी एमीन होते हैं ना सर ये साइक्लिक भी हो सकते हैं इसके साथ साथ सर एसाइक्लिक भी हो सकते हैं। एकदम सही बोला। तो एसाइक्लिक 2D की एमीन की कुछ एग्जांपल बोलो सर डाइमिथाइल एमीन ये आप लोग नोट कर रहे हो अपने कॉपी में प्लीज नोट करते जाना ये मेरा रिक्वेस्ट है। और सर साइक्लिक 2D की एमीन की एग्जांपल पाइपरिडीन पाइरोलिडीन। ओके अब बेसिकली यहां पर क्या हुआ साइड रिएक्शन को अवॉइड कर दिया दैट इज टू अवॉइड साइड रिएक्शन यहां पर 2 डिग्री एमीन को लिया गया
इसका मतलब और एक चीज में बोल सकते हो कि साइड रिएक्शन को अवॉइड करने का मतलब क्या है, इस फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी को सप्रेस करने के लिए यहां पर बेसिकली क्या लिया गया है, यहां पर कॉमनली सेकेंडरी एमिन को लिया गया था। समझ में आ रहा है? तो बहुत ही एक बहुत ही अच्छा रिएक्शन है और बहुत कंसेप्ट भी पीछे इसका छुपा है, रास छुपा है, अचानक से रिएक्शन नहीं हुआ, पीछे बहुत कंसेप्ट है। कोई भी लोग कंसेप्ट नहीं बताते, ऑन रिएक्शन तो कोई भी करा देगा पर पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो भी तो आपको जानना पड़ेगा, तभी तो इंटरेस्टिंग लगेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कोई कुछ स्टूडेंट ये सोच सकते हो कि ये रटने वाली बात है, कोई रटने वाली बात नहीं है, यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल चीजें चलता है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मेन ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। ओके, तो इसको पहले नोट करो, इसके बाद में मैकेनिज्म बोलूंगा। सो चलो स्टूडेंट्स आप आगे बढ़ते हैं, इसका मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लेते हैं। तो मैकेनिज्म की अगर मैं बात बताऊं, यहां पर मैंने क्या बोला, इस फॉर्मेल्डिहाइड की आग को बुझाने के लिए इस 2° एमीन को लिया गया है। इसका मतलब ये जो इतना भयानक रिएक्टिव है उसको ठंडा करने के लिए इस 2° एमीन को लिया गया था। ओके, तो इसको मैंने ठंडा कर दिया, इसका मतलब इसका रिएक्टिविटी कम हो गया, तो इसलिए यही दिखा गया है मैकेनिज्म में कि ये रिएक्शन इनिशिएट ही नहीं करते, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड ये रिएक्शन इनिशिएट ही नहीं करते। कौन इनिशिएट करते हैं? ये एसिड। अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तभी ये रिएक्शन की स्टार्टिंग होगा। समझ रहे हो? तो नोट करते जाना मैकेनिज्म को। सर फॉर्मेल्डिहाइड इसका मतलब हमको लेना पड़ेगा, इसके साथ सर एसिड लेना पड़ेगा ऑब्वियसली, और ये जो एसिड है ये किसका सोर्स है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल। और ऑक्सीजन के पास क्या है बोलो? सर लोन पेयर है, इसका मतलब वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर देगा सर। तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? सर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देख रहे हो क्या हुआ, यहाँ पर कार्बोनिल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा हो गया और अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म बन गया, तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अगर प्रेजेंट हो तो क्या होगा सर? चिपकना चालू हो जाएगा, एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा। तो इसका मतलब अब Me2NH की अटैक होगा। अब Me2NH किसका सोर्स है? सर न्यूक्लियोफाइल, ये जो नाइट्रोजन की लोन पेयर ये जाके यहाँ पर अटैक करेगा और इसका जो डेफिशिएंसी था ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या था सर? प्लस चार्ज। और प्लस चार्ज स्टेबल है एकदम नहीं, क्योंकि क्यों बोलो? बोलते नहीं हो आप लोग, क्यों नहीं स्टेबल है? क्योंकि ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उसके ऊपर पॉजिटिव तो भयानक अनस्टेबल है। तो यहां पर क्या होगा सर? यहां पर तो कार्बन और उसके साथ दो हाइड्रोजन था तो CH2 हो जाएगा, और यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और OH में चला जाएगा। तो इस कार्बन के साथ इस नाइट्रोजन की एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा, एकदम सही बोला आपने। अब नाइट्रोजन ने डोनेट किया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एकदम सही। अब ये H प्लस को रिलीज कर देगा, तभी ये नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो नालीफाई हो जाएगा, और आप लोग यह भी बोल सकते हो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर क्या होता है, ये H प्लस को रिलीज करते हैं, जो H प्लस ये रिलीज करेगा ये इसको ले लेगा, अगर ले ले तो ये एक बहुत ही गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट भी हो जाएगा। ऑब्वियसली सर एकदम सही बोला। तो नाइट्रोजन Me तो ये जो H प्लस रिलीज हुआ ये इसको, ये जो H प्लस है ये यहां पर चला गया रिलीज करने के बाद, इसका मतलब ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब अगर गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए क्या करेगा, ये नाइट्रोजन की लोन पेयर पुशिंग इफेक्ट दिखाएगा, पुशपुल इफेक्ट के कारण यहां पर क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड N+ Me2। समझ में आ रहा है? अब इसका एक नाम है, इसका नाम है इमिनियम आयन, और ये इस रिएक्शन में ना ऐसा इंटरमीडिएट काम करेगा, क्यों? क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है, तो इसलिए अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं वो ऐसा दिखाई देगा ना हाँ सर ऐसा दिखाई देगा। तो यहां पर एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ये मॉलिक्यूल एज अ इंटरमीडिएट भी फंक्शन कर सकते हैं, इसका रोल हो सकता है, एकदम सही। अब देखो
ये जो इमीनियम आयन है ना, ये तो इंटरमीडिएट है, उसके साथ साथ ये जो इमीनियम आयन है ये क्वाइट स्टेबल स्पीसीज भी है। तो स्टेबल स्पीसीज भी है ये मॉलिक्यूल। तो स्टेबल स्पीसीज क्यों है? क्योंकि इसका सॉल्ट फॉर्म स्टेबल है, इसका सॉल्ट फॉर्म स्टेबल है। तो मैं यहां पर बोल रहा हूं इसका सॉल्ट स्टेबल है इसलिए। और अगर सॉल्ट स्टेबल होगा तो उसको हम इजीली उसका क्या होगा, उसको हम ले सकते हैं। और इसका जो सॉल्ट है वो स्टेबल है, और उसका नाम क्या है, एसएन मोसार सॉल्ट, एसएन मोसार सॉल्ट, एसएन मोसार सॉल्ट, एसएन मोसार सॉल्ट। आप यहां पर ध्यान से देखना है, ये जो सॉल्ट है एसएन मोसार सॉल्ट वो स्टेबल है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लैब में, ये तो लैब में मिल सकते हैं क्योंकि स्टेबल चीज है, तो स्टेबल चीज लैब में मिल सकते हैं। और अगर हम इस एसएन मोसार सॉल्ट के साथ इस इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड की एक बार रिएक्शन करवा दे तो ये एसएन मोसार सॉल्ट ऐसा रिएजेंट भी यहां पर काम कर देगा। अरे हाँ या ना, तो इमीनियम आयन जो यहां पर बना वो ऐसा इंटरमीडिएट भी कभी कभी काम कर सकता है, और उसके साथ जब ये सॉल्ट फॉर्म में रहेगा वो ऐसा रिएजेंट भी काम कर सकते हैं। एकदम सही सर, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज था, जरूर ये एज अ रिएजेंट भी काम कर सकते है। कब? अगर मैं एज फॉर एग्जाम्पल ले लू के रिएक्शन में एकदम इस एसएन मोसार सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवा रहा हो, तो ये जो एसएन मोसार सॉल्ट है इसका सॉल्ट फॉर्म की स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं पहले। तो CH2I-NN+Me2, ओके, ये इस मॉलिक्यूल का नाम ही एसएन मोसार सॉल्ट। अगर ये लैब में मिल जाए तो इसके साथ एक बार में इसका रिएक्शन कर देंगे, डायरेक्ट रिएक्शन करवा देंगे, ये लैब में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है, तो इसलिए इसके साथ इसका अगर मैं रिएक्शन करवा दूं, इन दैट केस ये जो एसएन मोसार सॉल्ट है वो एज अ रिएजेंट काम करेगा। और अगर लैब में एसएन मोसार सॉल्ट नहीं हो, इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इमीनियम आयन को फॉर्म करना पड़ेगा, उसके साथ इस इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवा देना पड़ेगा, इन दैट केस ये एज अ इंटरमीडिएट काम करेगा। तो इमीनियम आयन की रोल दो है, ये एज अ इंटरमीडिएट भी काम कर सकते हैं, इसके साथ साथ ये एज अ क्या बोलो, ये एज अ रिएजेंट भी काम कर सकते है। कब? अगर इसका सॉल्ट फॉर्म हमको मिल जाए, अगर एक बार डायरेक्ट में इसका सॉल्ट फॉर्म हमको मिल जाए तो ऐसा रिएजेंट काम कर देगा। तो यही था इसका इंटरमीडिएट की बनना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे मैकेनिज्म को। सो मैं इसको पहले रैप कर रहा हूं, तो मैं एक इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड को कंसीडर कर रहा हूं। तो लेट अस अज्यूम एसिटाल्डिहाइड। अब क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा रिएक्शन मीडियम में, और न्यूक्लियोफाइल अब जनरेट होगा। देखो मैं एक इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड को ले लिया, तो एसिटाल्डिहाइड, अब इसके साथ क्या है, अरे रिएक्शन मीडियम में तो एसिड प्रेजेंट है ऑब्वियसली, तो इसका ऑक्सीजन भी प्रोटोनेटेड हो जाएगा। हाँ सर, अगर प्रोटोनेटेड हो जाए तो किस फॉर्म में चला जाएगा, अरे सर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा। अब एसिड कैटालाइज रिएक्शन की जब जब बात होगा वो किसके थ्रू प्रोसीड होगा बोलो, अरे एल्डोल रिएक्शन, एसिड कैटालाइज एल्डोल रिएक्शन किसके थ्रू प्रोसीड होता है, सर एनॉल के थ्रू, एकदम सही। तो यहां पर हमको एनॉल को बनाना पड़ेगा, तो ध्यान से देखो CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा, उसके साथ OH हो जाएगा क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया है। अब यहां पर क्या है सर, हाइड्रोजन है, इसका नाम क्या है सर, एनॉल। क्यों एनॉल? क्योंकि इन भी है ऑल भी है तो एनॉल है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर देगा, और इलेक्ट्रोफाइल तो सर यहां पर प्रेजेंट ही है, तो करवा दो अटैक एकदम। तो CH2 डबल बॉन्ड COH, यहां पर हाइड्रोजन, उसके साथ यहां पर क्या है, ये इमीनियम आयन, तो CH2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन Me, ओके। अब क्या होता है, ऑक्सीजन की लोन पेयर डोनेट, ये जाके यहां पर अटैक,
इस नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ना उसको नालीफाई कर दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पर मैं दिखा रहा हूं नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था ना वो तो नालीफाई हो गया, तो एन एमई एमई उसके साथ यहां पर एक सिंगल बॉन्ड चलाएगा, उसके साथ CH2 आ जाएगा, उसके साथ इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड की फॉर्मेशन हुआ, और उसके साथ क्या है सर यहां पर ऑक्सीजन ने डोनेट किया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस H+ को अगर मैं रिलीज कर दूं तो वो ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज फॉर्म में चला जाएगा, तो अल्टीमेटली जो यहां पर प्रोडक्ट होगा वो ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, तो यही हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है देखो ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, और बीटा के साथ एमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो बीटा एमाइनो कीटोन बोल सकते हो, और मोर जनरल अगर मैं बोलू बीटा एमाइनो कार्बोनिल कंपाउंड भी बोल सकते हो, तो बीटा एमाइनो कार्बोनिल कंपाउंड में लिख रहा हूं जनरल प्रोडक्ट की अगर मैं बात बताऊं। और एक इसका नाम है सर मैनिक बेस, एकदम सही। अब ये जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म को आप लोग सही से एकदम नोट कर लो, ध्यान से नोट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। अब देखो मैं इसको रैप कर रहा हूं, अब मैं इसका शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स के मदद से आप लोग कैसे जल्दी इस प्रोडक्ट को तैयार करोगे। पहले मैं इमिनियम आयन की शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, उसके बाद मैं प्रोडक्ट की शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। तो पहला हेडिंग डालो ट्रिक्स टू फॉर्म इमिनियम आयन, ट्रिक्स टू फॉर्म इमिनियम आयन, ओके ठीक। अब इमिनियम आयन फॉर्मेशन करने के लिए हमको क्या क्या लेना पड़ेगा, हमने क्या लिया था यहां पर सर फॉर्मेल्डिहाइड सेकेंडरी एमीन और उसके साथ एसिड लिया था, पर आपको यहां पर एसिड लेना पड़ेगा, सब कुछ नहीं लेना पड़ेगा, ये ट्रिक है ओके। तो फॉर्मेल्डिहाइड को ऐसे खुलकर लिखना पड़ेगा आपको, और यहां पर जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है उसको ऐसे खुलकर लिखना पड़ेगा और एमी को एज इट इज। अब यहां से क्या करना पड़ेगा सर, यहां से ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन को बाहर कर देना पड़ेगा, तो पानी नहीं बाहर जाएगा, यहां पर ओएच बाहर कर दो ओके, तो ओएच बाहर चला जाएगा। अगर ओएच बाहर चला जाए तो यहां पर क्या होगा सर, यहां पर जो एच था वो रह जाएगा, उसके साथ कार्बन उसके साथ हाइड्रोजन, अब इस डबल बॉन्ड के साथ इस नाइट्रोजन की नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और नाइट्रोजन के साथ से दो एमी दैट इज मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो यहां पर नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया है सर, चारों बॉन्ड बना दिया, बट नाइट्रोजन की क्षमता कितना है सर, तीन बनाना, तो इसका मतलब इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल तो एक ही है, देख रहे हो आप लोग सेम ही तो है, तो हमने इमिनियम आयन की ट्रिक जान लिया। अब आते हैं प्रोडक्ट लिखने का इजी ट्रिक, तो ट्रिक टू राइट प्रोडक्ट, चलो बहुत ही आनंद आ रहा है आपको, चलो ट्रिक टू राइट प्रोडक्ट, मैनी रिएक्शन की प्रोडक्ट को आप लोग कैसे जल्दी लिख सकते हो, इसलिए मैं एक ट्रिक लाया। क्या ट्रिक, देखो अगर मैं इस एग्जांपल को ही मान रहा हूं तो फॉर्मेल्डिहाइड को लेना पड़ेगा, उसके साथ इनोलाइजेबल एक कार्बोनिल कंपाउंड, मैंने एसिटाल्डिहाइड को लिया था, और उसके साथ मैंने क्या लिया था सर, उसके साथ आपने 2° एमाइन को लिया था, तो ये मैंने लिया था और एसिड की कंडीशन में रिएक्शन करवाया था। अब इसका ट्रिक यही होगा, जहां पर एनोलाइजेशन हो सकता है वहां से एक हाइड्रोजन को कम कर दो। सर यहां पर तो एनोलाइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, पर यहां पर है, तो यहां से वन हाइड्रोजन कम कर दो, वन एच रेस कर दो। अब यहां से क्या कर दोगे, ये डबल बॉन्ड दो को रिमूव कर दो, इसका मतलब आप इस कार्बन के साथ इस कार्बन के साथ इस कार्बन की न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन कर देना, इसका मतलब यहां से CH2 ओनली ऐड होगा, डबल बॉन्ड हो हट जाएगा, तो यहां से CH2 बन जाएगा क्योंकि ये हाइड्रोजन मैंने काम कर दिया, तो CH3 से CH2 में चला जाएगा, आप इस कार्बन के साथ इस कार्बन की नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा,
और यहां से क्या कर दोगे, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दोगे, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दोगे तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। अब क्या करोगे, यहां से यहां पर एक नया बॉन्ड फॉर्म कर दोगे इस कार्बन के साथ इस नाइट्रोजन की, तो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अगर मैं यहां से लिख रहा हूं तो क्या होगा, सर CH3 तो CH2 में चला गया एकदम सही, तो मैं इस साइड से लिख रहा हूं एक बार में, तो हाइड्रोजन उसके साथ C डबल बॉन्ड हो, उसके साथ एक हाइड्रोजन अगर चला गया तो CH2 में हो जाएगा। आप इस कार्बन के साथ इस कार्बन की नया बॉन्ड, और ये CH2 है ओनली, क्योंकि कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है तो CC बॉन्ड, और उसके साथ दो हाइड्रोजन, और उसके साथ मैंने क्या बोला, ये हाइड्रोजन बाहर गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर कार्बन के साथ नया बॉन्ड एक और CH3 होल टू, तो यही हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसको अच्छे से आप लोग प्लीज नोट कर लो। चलो गाइस, आज की लास्ट दो सवाल कर लेते हैं तो आज की क्लास खत्म हो जाएगा। तो इस दोनों सवाल को ध्यान से देखो। अब यहाँ पर ये मॉलिक्यूल का नाम क्या है, बोलो, साइक्लोहेक्सानोन, उसके साथ फॉर्मेल्डिहाइड दिया गया है, उसके साथ क्या दिया गया है, 2-डिग्री एमीन और एसिड, और पीएच 4 से 6 मेंटेन करना पड़ेगा, और सॉल्वेंट दिया गया है, इसका मतलब कौन सा रिएक्शन होगा, बोलो, मैनिक रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पर क्या हो सकते है सर, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के मदद से अगर मैं प्रोडक्ट लिखूं क्या होगा, देखो इस कीटोन के रेस्पेक्ट में यहाँ पर भी एनोलाइजेशन पॉसिबल है, यहाँ पर भी एनोलाइजेशन पॉसिबल है, पर ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, आप किसी को भी एनोलाइज कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को घटा दू, उसके साथ यहाँ से CH2 ऐड कर दू, और उसके साथ NME2 ऐड कर दू, तो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड, यहाँ से एक मैंने हाइड्रोजन को हटा दिया, उसके साथ CH2 एक लगा दिया, तो CH2 कहां से आएगा, इस फॉर्मेल्डिहाइड से, मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड O को बाहर करने बोला, जब मैं ट्रिक बताया था, तो डबल बॉन्ड O बाहर चला जाएगा, और यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करने की बात मैंने कहा था, तो यहां से अगर एक हाइड्रोजन चला जाए तो NME2 चला जाएगा। तो मैंने क्या बोला था, इसके साथ इस फॉर्मेल्डिहाइड की न्यू CC बॉन्ड, और इस कार्बन के साथ सेकेंडरी एमीन की कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो अल्टीमेटली यही प्रोडक्ट होगा। आप सही हुआ, हाँ सर एकदम सही हुआ, क्यों, क्योंकि ये जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है इसके रेस्पेक्ट में अल्फा या बीटा, तो बीटा एमाइनो कीटोन फॉर्म हुआ, इसका मतलब एकदम सही प्रोडक्ट। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पर एनोलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है सर, तो यहाँ पर एनोलाइजेशन हो सकता है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को कम कर दो पहले, उसके साथ सर फॉर्मेल्डिहाइड से अगर आप CH2 को ऐड कर दोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक CH2 और जुड़ जाएगा। ये CH2 कहां से आया सर, फॉर्मेल्डिहाइड से आया, और इस सेकेंडरी एमीन से ओनली हाइड्रोजन को घटा दो तो NME2 मिल जाएगा। इसका मतलब हमने क्या प्रोडक्ट तैयार दिया, बोलो ये प्रोडक्ट का नाम क्या है सर, बीटा एमाइनो कीटोन, एकदम सही, बीटा एमाइनो कीटोन ही तो फॉर्म कर दिया, क्योंकि कीटोन फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा या बीटा, और बीटा के साथ क्या प्रेजेंट है सर, एमाइनो ग्रुप ही तो प्रेजेंट है, इसका मतलब बीटा एमाइनो कीटोन हमने जनरेट कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।